नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 7 संचार व्यवस्था पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर 1, व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त रहेगी। ए 10 की एच जेड, बी 10 एम एच जेड, सी 1 जी एच जेड, डी 1000 एच जी एच जेड। उत्तर बी 10 एम एच जेड, 3 एम एच जेड से 30 एम एच जेड आवृत्ति तक की तरंगे व्योम तरंगे की श्रेणी में आती हैं। इससे उच्च आवृत्ति की तरंगे जैसे 1 जी एच जेड, 1000 जी एच जेड आयन मंडल को भेदकर पार निकल जाती हैं, जबकि 10 के एच जेड आवृत्ति की तरंगे एंटीना की ऊंचाई अधिक होने के कारण उपयोगी नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2, यू एच एफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है। ए भूत तरंगे, बी व्योम तरंगे, सी पृष्ठ तरंगे, डी आकाश तरंगे। उत्तर डी आकाश तरंगे। यू एच एफ परिसर में प्रसारण अवकाश तरंगों द्वारा ही होता है। प्रश्न नंबर 3, अंकीय सिग्नल नंबर 1 मानों का सतत समुच्चय प्रदान नहीं करते। नंबर 2 मानों की विविक्त चरणों के रूप में निरूपित करते हैं। नंबर 3 द्विआधारी पद्धति का उपयोग करते हैं। नंबर 4 दशमलव के साथ द्विआधारी पद्धति का भी उपयोग करते हैं। उपरोक्त प्रकथनों में कौन से सत्य, ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 2 तथा 3, सी 1 2 तथा 3 परंतु 4 नहीं, डी 1 2 3 तथा 4 सभी। उत्तर सी 1 2 तथा 3 सत्य है परंतु 4 सत्य नहीं। अंकीय सिग्नल द्विआधारी पद्धति अंकों 0 तथा 1 का उपयोग करते हैं, अतः मानों का सतत समुच्चय प्रदान करने के स्थान पर उन्हें विविक्त चरणों में निरूपित करते हैं। प्रश्न नंबर 4, दृष्टि रेखीय संचार के लिए क्या यह आवश्यक है कि प्रेषक एंटीना की ऊंचाई अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई के बराबर हो। कोई टीवी प्रेषक एंटीना 81 एम ऊंचा है, यदि अभिग्राही एंटीना भूसत पर है तो यह किसने क्षेत्र के सेवाएं प्रदान करेगा। हल नहीं, प्राय ग्राही एंटीना की ऊंचाई प्रेसी एंटीना से अधिक होती है। प्रेसी को रेडियो क्षितिज डी टी बराबर अंडर रूट 2 आर ई एच टी, जिसमें आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, सेवा क्षेत्रफल ए बराबर पाई डी स्क्वायर, टी बराबर पाई 2 आर एच टी दिया है। एच टी बराबर 81 एम, आर ई बराबर 6.4 गुणे 10 से घाते 6 एम एल बराबर 3.14 गुणे 2 गुणे 6.4 गुणे 10 से घाते 6 गुणे 81 एम टू बराबर 32.58 गुणे 10 से घाते 6 एम टू बराबर 32.58 के एम टू। प्रश्न नंबर 5, 12 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग का उपयोग किसी संदेश सिग्नल के प्रेषण के लिए किया गया है। मांडुलन सूचकांक 75% के लिए मांडुलन सिग्नल की शिखर वोल्टता कितनी होनी चाहिए। हल मांडुलन सूचकांक एम ए बराबर ई एम बटा ई सी, ए ई मांडुलक सिग्नल का शिखर मान, ई एम बराबर एम ए ई ए दिया है, एम ए बराबर 75% बराबर 0.75, ई सी बराबर 12 वोल्ट, ई एम बराबर 0.75 गुणे 12 वोल्ट बराबर 9 वोल्ट। प्रश्न नंबर 6, चित्र 15.1 में दर्शाए अनुसार कोई मांडुलक सिग्नल वर्ग तरंग है, एम टी वी एस 1। चित्र 15.1 आप देख लीजिए, 1 2 टी सेकेंड चित्र आप देख लीजिए। दिया गया है कि वाहक तरंग सी टी बराबर 2 साइन कोष्टक में 8 पाई टी कोष्टक क्लोज बी। नंबर 1 आयाम मांडुलिक तरंग रूप आलेखित कीजिए। नंबर 2 मांडुलन सूचकांक क्या है। हल वह तरंग की आवृत्ति एफ सी बराबर डब्लू बटा 2 पाई बराबर 8 पाई बटा 2 पाई बराबर 4। आयाम मांडुलित तरंग चित्र 15.2 में प्रदर्शित है। चित्र 15.2 आप देख लीजिए,
समय सेकेंड में 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0। चित्र आप देख लीजिए। नंबर 2, मांडुलन मांड्यूलेशन सूचकांक यम ए बराबर यम नॉट बटा सी नॉट कोष्टक में अथवा ई एम बटा ई सी कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 बराबर 0.5। चित्र से यम नॉट बराबर 1 तथा वाही तरंग की समीकरण सी कोष्टक में टी बराबर 2 साइन 8 पाई टी से सी नॉट बराबर 2 यम ए बराबर यम नॉट बटा सी नॉट बराबर 1/2 बराबर 0.5। प्रश्न नंबर 7, किसी मांडुलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट पाया जाता है। मांडुलन सूचकांक म्यू का मान निश्चित कीजिए। यदि न्यूनतम आयाम 0 वोल्ट हो तो मांडुलन सूचकांक क्या होगा। हल दिया है ई मैक्स बराबर 10 वी ई मीन बराबर 2 वोल्ट। मांडुलन सूचकांक यम ए बराबर ई मैक्स माइनस ई मिनट बटा ई मैक्स प्लस ई मिनट बराबर 10 - 2 - 10 + 2 = 8/12 = 2/3 = 0.67। यहाँ ई एम आई एन बराबर 0 यम ए बराबर ई मैक्स माइनस 0 बटा ई मैक्स प्लस 0 बराबर 1 ई मैक्स के मान पर अनिर्भर। प्रश्न नंबर 8, आर्थिक कारणों से किसी एम तरंग का केवल ऊपरी पार्श्व वेंड ही प्रेषित किया जाता है परंतु ग्राही स्टेशन पर वाहक तरंग उत्पन्न करने की सुविधा होती है। यह दर्शाइए कि यदि कोई ऐसी युक्ति उपलब्ध हो जो तो दो सिग्नलों की गुणा कर सके तो ग्राही स्टेशन पर मांडुलक सिग्नल की पुनः प्राप्ति संभव है। हल, माना वाही तरंग ई सी बराबर ई सी कॉस डब्ल्यू सी टी .. समीकरण नंबर 1। यदि सूचना मांडुलक सिग्नल की कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू एम टी हो तो ग्रहण किया गया सिग्नल होगा है। सिग्नल होगा है ई आर बराबर ई आर कॉस कोष्टक में डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एम कोष्टक क्लोज टी .. 2। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर ई बराबर ई सी ई आर कॉस डब्ल्यू सी टी प्लस डब्ल्यू सी टी टी कॉस कोष्टक में डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एम कोष्टक क्लोज टी। सूत्र 2, कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक क्लोज प्लस कॉस कोष्टक में ए माइनस बी कोष्टक क्लोज का प्रयोग करने पर ई बराबर ई स्मॉल ई ई आर बटा 2 कोष्टक में कॉस कोष्टक में 2 डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एम कोष्टक क्लोज टी प्लस कॉस डब्ल्यू एम टी कोष्टक क्लोज। यदि इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से में से गुजारा जाए तो उच्चतम आवृत्ति कोष्टक में 2 डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एम कोष्टक क्लोज का सिग्नल ले रुक जाएगा तथा केवल डब्ल्यू एम आवृत्ति को सिग्नल ही गुजरेगा। अतः हमें मांडुलक सिग्नल ई एम बराबर ई ई ई आर बटा 2 कॉस डब्ल्यू एम टी प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।